ये सब मैंने सारी पूजा होगी तो मैं ये लेके आई हूँ इस बार। लो कवर। तो हेलो जी, सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लवण्या गुलिया पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने होम डेकोर आइटम, मैं क्या क्या लेके आई। मैंने सारी चीजें पिछले कुछ दिनों में खरीदी हैं, मतलब जैसे जहाँ जाती थी जिस मार्केट में से जो पसंद आता था वो ले लेती, जो मुझे चाहिए होती थी, ऐसा नहीं है कुछ भी लेके आ जाती थी, जो मुझे चाहिए होती थी। तो सारी चीज़ें अलग अलग जगह से ली हुई हैं, एक जगह से नहीं है। तो मैं शुरू करती हूँ आपको दिखाना मैं क्या क्या लेके आई हूँ। कुछ घर के लिए हैं, कुछ दिवाली है तो दिवाली के मतलब की चीज़ें हैं दिवाली के लिए, कुछ घर के डेकोरेशन के लिए। तो मैं शुरू करती हूँ, आपने मेरे को छोटे वाले दिखाए थे। हाँ अब देख लो। तो ये देखो गमले, अभी जो मेरे शोकेस में लगे हुए हैं वो थोड़े से छोटे साइज के हैं, तो काफी टाइम हो गया उनको भी आए हुए। तो मैं ये वाले लेके आई हूँ, चार रखती हूँ मैं अपने शोकेस में। तो दो मैं येलो कलर के लेके आई हूँ और दो मैं पिंक कलर के। ये लेके आई थी मैं सरोजिनी नगर मार्केट से, सरोजिनी नगर मार्केट गई थी वहां से लेके आई थी। और ये था 50 रुपए का एक, 100 के दो थे, 100 के दो थे, ये 200 के थे, चार गमले। ये इतना बड़ा है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ अपने छोटे वाले, ये लगाओगे ये सारे अलग अलग कलर के हैं। ये इस साइज के हैं। ये वाले लिए थे मैंने हमारे पास में जो मदनगिर मार्केट है वहां से लिए थे। और ये थे 100 के चार, 100 के चार थे ये, तो ये वहां से लिया, एक मैंने अलग से लिया, पांच लेने थे मुझे। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये दरवाजे के साइड में लटकाने के लिए, डोर हैंगिंग साइड की। अभी जो लगी हुई है वो थोड़ी चौड़ी वाली है, तो मैंने इस बार पतली वाली ली, थोड़ी ज्यादा लंबी तो है नहीं। ये वाली, और ये भी मैंने लिए सरोजिनी नगर मार्केट से। नेक्स्ट आइटम है मेरा ये इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। शुभ दीपावली, दिवाली है तो दरवाजे के ऊपर लगाने के लिए लिया मैंने ये शुभ दीपावली। नेक्स्ट है ये वाली लटकन सी, ये नीचे ये है इसमें, और ये सिंपल है बिल्कुल, ये सिल्वर कलर की, ये गोल्डन, ये मैं लाई हूँ 6। ये मैं लेके आई हूँ जैसे अपने टीवी के साइड में लगाने के लिए, मंदिर के साइड में लगाने के लिए,
तो जब मैं लगाऊंगी, जब आपको दिखाऊंगी, सिंपल सिंपल सी हैं, मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। और मैं लेके आई हूँ ये आर्टिफिशियल फ्लावर गेंदे के, ये सब दिवाली के डेकोरेशन का सामान है, ये वाले। ये सब मैंने सारी चीजें यहीं से ली हैं, अपनी लोकल मार्केट से, ये भी और वो लटकन वगैरह भी। ये मैं दो पीस लेके आई, और सबसे मेन चीज दिवाली की लक्ष्मी गणेश। पूजा होगी तो मैं ये लेके आई हूँ। और ये माला है जो हमारी मूर्तियां हैं मंदिर में, और तस्वीरें हैं जो लगाई हुई हैं हमने उनकी हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, मूर्तियों के हिसाब से और तस्वीरों के हिसाब से मैं लेके आई हूँ। हर दिवाली पे नहीं लगाते हैं हम। ये छोटी छोटी हैं क्योंकि मेरे मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, तो ये छोटी छोटी माला है, देखिए सारी एक जैसी हैं, छोटे साइज की हैं। ये थोड़ी बड़ी है, कोई इस साइज की है, ये 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 एक ही वाली, इस साइज के हिसाब से मैं लेके आई हूँ अलग अलग साइज की, जैसी मेरी मूर्तियां हैं तस्वीरें हैं उस हिसाब से। और ये दिवाली है तो ये वाले मैं दिए लेके आई हूँ इस बार, तो ये वाले मैं लेके आई हूँ। ये वाले थे 150 के, दो थे ये, ये 150 के दो थे। एक में 12 पीस है, नहीं 12 नहीं है, 10 है, एक में 10 पीस है, तो 150 के 20 थे, 20 दिए मोम वाले। और नेक्स्ट मेरा होम डेकोर आइटम है, एक मैंने ये मंगाया है, वॉल हैंगिंग, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ये मैंने मंगाया मीशो से, ये था 105 रुपए का था ये वॉल हैंगिंग, ये देखिए मुझे तो काफी अच्छा लगा, जैसा था पिक में ऐसा ही आया, देखिए। और ये इस साइज का है, आप देख लीजिए, ओम बने हुए हैं इसमें नीचे, आप देख ही पा रहे होंगे, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा, ये आया भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कुछ और दिखा रहे थे उसमें कुछ और आया, नहीं आया भी अच्छा है। एक ये प्रोडक्ट मंगाया मैंने, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया है, लेकिन मैंने जब पहले मंगाया था तो मैंने दूसरा प्रिंट मंगाया था, आपको दिखा दूंगी कौन सा मंगाया था,
बट ये प्रिंट आया और डिफेक्ट आया था ये, फिर मैंने रिटर्न में डाला, फिर दोबारा जब आया, जब डिफेक्ट तो नहीं आया लेकिन प्रिंट सेम नहीं आया, प्रिंट सेकंड बार में भी प्रिंट दूसरा ही आया है, जो मैंने मंगाया था वो नहीं आया। तो मैं मंगा रही थी अपनी किचन की दीवार पे लगाने के लिए, बट एक तो जो मुझे जिस प्रिंट में चाहिए था उसमें आया नहीं, और ऊपर से साइज़ कम है मेरी, उसके हिसाब से नहीं है। तो फिर मैंने अब ये मैं देखती हूँ, शायद मैं अपने रैक्स में लगाऊंगी, इस पर तो नहीं लगाऊंगी, रैक वगैरह में लगाऊंगी, वहाँ के लिए भी मुझे लेने थे तो मैं वहाँ पे लगाऊंगी ये। बट ये प्रिंट सेम नहीं आया, अलग प्रिंट आया है दो बार में भी, सेम चीज़ नहीं आई है। ये मैंने लिए हैं मैट, ये देखिए ये प्लेन मैट है, इस साइज का है ये, मैं सरोजिनी नगर मार्केट से लाई थी, और एक ये है मैट, ये मैंने लिया था स्मार्ट बाजार से। एक मैट ये है, ये वाला, ये इसका साइज थोड़ा बड़ा है, ये इस साइज का है, थोड़ा बड़ा है। ये मैंने लिया था मदनगिरी मार्केट से, और मैं अपने घर के लिए क्या लेके आई हूँ, मतलब बेडशीट, एक ये बेडशीट लेके आई हूँ मैं, देखिए हल्के पर्पल कलर की है ये, नहीं ये इसके पिलो कवर, ये प्योर कॉटन में है, चारों तरफ है ये वाला डिजाइन, ये वाला, और ये वाली बेड सीट भी मैं सरोजिनी नगर मार्केट से लेके आई, एंड लास्ट आइटम कर्टेन्स, तो मैं लेके आई हूँ, और ये पर्दे मैं लेके आई स्मार्ट बाजार से, मरून कलर के हैं, मैं डार्क कलर के लेने थे क्योंकि दीवारों के हिसाब से भी हमारा वाइट कलर का पेंट है, और बच्चे छोटे हैं तो हाथ लगा देते हैं, लाइट कलर में ज़्यादा दाग धब्बे दिखते हैं, तो इसलिए मैं डार्क कलर के लेके आई, अच्छे भी लग रहे थे, प्लेन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है, मरून कलर के। ये हम लेके आए स्मार्ट बाजार से, और ये थे 1299, इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, 1299 के थे, मैं लेके आई तीन पर्दे लेके आई मैं, दो दरवाजों के लिए और एक विंडो के लिए। तो जी ये था मेरा होम डेकोर आइटम।